लोगों को आना है अभी, तो कांग्रेस नाम की तो कोई चीज ही नहीं रहनी अब, सभी लोगों को तो इधर आना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विजनरी पार्टी है, वो जमीनी और हकीकत पर ज्यादा भरोसा रखती है। तो इसलिए जो 10 लोग आए हैं वो 10 ही नहीं, सारे लोगों को आना चाहिए, यहां तो सब इतनी बड़ी पार्टी है, सब खप जाएंगे, पार्टी के अंदर कोई असमंजस्य नहीं है। सर क्या जो लोग सिटिंग है उनकी प्रेफरेंस दी जाएगी, या जो जो जीतने के लिए इस वक्त आपको लगता है हाँ जी ये जीत सकता है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी? ठीक, कोई भी पार्टी जीतने के लिए तो कैंडिडेट बनाती है जी। हमको सरकार बनानी है जी। हम खाना पूर्ति के लिए थोड़ी टिकटों को देंगे जी। हाँ, हम जी। जो जीता होगा उसी को पार्टी टिकट देगी। तो जो सिटिंग है नहीं, मैं कह रहा हूँ जो जीता होगा, मैं तो सिटिंग गेटिंग इस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निचोड़ ये दे रहा हूँ कि जो जीत सकता है पार्टी उसको टिकट देगी। तो इसके अंदर ये क्राइटेरिया नहीं आएगा कि अगर हम आपको लाए हैं और कह के लाए हैं कि आपको हम, मुझे मालूम नहीं, जितना मुझको लगता हूँ मैंने बता दिया क्योंकि पार्टी डे इस समय सरकार बनानी है यहाँ पर जी, और स्वाभाविक सरकार तब बनेगी जब जीतने वाले लोग जीत करके आएंगे, तो पार्टी जीतने वाले को ही टिकट देगी। वो कौन है क्या, तो इसके लिए पार्टी क्या सिस्टम अपनाएगी वो तो पार्टी का काम है, हमारे नेतृत्व का काम है कि क्या रूपरेखा वो बनाएगी, टिकटों के वितरण में किस ढंग से वो उसको विश्लेषित करेगी, लेकिन मोटा मोटा यह है कि पार्टी जीतने वाले लोगों को ही टिकट देगी। तो उसके ऊपर ये क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि आप कांग्रेस से आए हैं, या ये क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि आप पहले से भाजपा, सिर्फ ये क्राइटेरिया रहेगा कि भाई तुम जीत सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि चाहे कांग्रेस से कोई आए, चाहे बीजेपी का है, या पुराना है या नया है, अब पहली बात तो ये है कि पार्टी सभी चीज को मंथन करेगी, किसी का व्यवहार अच्छा है जीत भी सकता है, कार्यकर्ता पर भी पकड़ है, तो सोने में सुहागा है ना, क्षमता भी है, विजन भी है, कडर भी है जी। तो यदि इस तरीके की, और जीत पहली तो जीत है जी। जीत सकता है बिल्कुल। तो यदि जीत सकता है, यही गुण भी है, तो स्वाभाविक की पार्टी उन स्थानों पर उसी ढंग की प्राथमिकता देगी। दूसरा सवाल मेरा, मुख्यमंत्री का चेहरा, कांग्रेस भी लगातार बोले जा रही है कि भाई हमारे पास तो चेहरा है, भाजपा के पास चेहरा नहीं है। वो जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, केवल बेचारों के पास एक ही रह गया हरीश रावत ले दे करके, बाकी कोई है ही नहीं वहां। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी तो समग्र है जी। हाँ, तो लेकिन हमारे यहाँ इतने लोग हैं, हमारे यहाँ इसलिए नहीं ये असमंजस्य है कि किसको करें किसको ना करें, ये कोई असमंजस्य नहीं है। पार्टी जिस दिन तय करे उस दिन चेहरा घोषित करेगी, जिस दिन पार्टी ये तय करेगी नहीं चेहरा बिना चेहरे घोषित किया हमको चुनाव लड़ना, उस दिन चुनाव लड़ेगा, हम सरकार बनाएंगे कुल मिला करके जी। सर अगर आपको चेहरा डिक्लेयर किया तो आप बनने को तैयार हैं? अगर तैयार की भी बात नहीं है जी। मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मेरी पार्टी जहाँ, क्योंकि मैंने राजनीति में समय दिया है, अपनी पार्टी को समय दिया है, मैंने पार्टी से ये कहा है कि मेरी पूरी जिंदगी पार्टी के लिए नहीं है, मेरे अपनी जिंदगी के बहुत सारे मिशन है, जिसमें विशेष करके लेखन मेरा मिशन है, हिंदी मेरा मिशन है, लेकिन हाँ मैंने पार्टी को जितना समय दिया है उस इस समय में पार्टी मुझसे क्या काम लेना चाहती है ये पार्टी देखे, पार्टी जिस मोर्चे पर भी मुझे खड़ा करेगी मैं उस पार्टी को रिजल्ट दूंगा। और मैंने आज तक पार्टी ने चाहे मुझे उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की बागडोर महामंत्री के रूप में दी होगी, या तमाम आंदोलन की बागडोर समय से में दी होगी, चाहे उत्तर प्रदेश में यंग एज में उसने पर्वतीय विकास मंत्री बना करके मुझे पूरे हिल स्टेट की विकास की डोर मेरे हाथ में दी हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री के रूप में मुझे फिर किया हो, चाहे यंग एज में मुझे मुख्यमंत्री बना दिया हो, चाहे मुझे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया हो, चाहे सांसद बना करके पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन बना दिया हो, जो भी पार्टी मेरे को दायित्व देती है मैं पूरी ताकत के साथ, निष्ठा के साथ, प्रमाणों के साथ उस काम को मैंने किया है। मैं अभी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन हूँ, वो उसने अपना इतिहास रचा है, समाचार पत्रों ने उसकी समीक्षा की है कि इस कमेटी ने पिछले
40-50 साल में पहली बार इस ढंग का काम किया है, तो मेरी कमेटी में भी मैंने काम किया है। मैं पार्लियामेंट में मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती उसको भी मैंने कोशिश की कि मैं पार्लियामेंट में भी अपनी ठीक ठीक उपस्थिति दर्ज नहीं करूं, कुछ बातों को मैं ऐसे भी उभारूं जो देश के लिए और मेरे क्षेत्र के लिए मेरे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और वो मैंने किया। तो इसलिए पार्टी जिस मोर्चे पर भी मुझे खड़ा करना चाहेगी, मैंने कभी बना तो नहीं किया। सर चलिए समझ लेते हैं, अगर भाजपा जीत के आती है और अगर आपको मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है तो आपके क्या मेन एजेंडाज हैं उत्तराखंड के लिए आगे? सबको मालूम है कुलीन जी, निशंक के बारे में सबको मालूम है मेरे क्या एजेंडे है, मेरे विजन 2020 सबको मालूम है। और इसलिए मैं गर्व के साथ इस बात को संतोष और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि राज्य निर्माण से लेकर के आज तक यदि मेरे वर्ष 9 और 10 को देखा जाए और नीति आयोग भारत सरकार के योजना आयोग के आंकड़े ले लिए जाए तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा 9-10 का वर्ष शीर्ष पर है। जो अभी इन्होंने पर्यटन की दृष्टि से वो किया है और एसोचम की जो रिपोर्ट आई है उसने भी साफ साफ लिखा है कि वर्ष 9 और 10 राज्य का शीर्ष पर था और उस समय निशंक मुख्यमंत्री थे। तो मैंने तो हर दिशा में जो भी मुझको मौका मिला मैंने कोई चूका नहीं, एक एक मिनट का उपयोग मैंने इस राज्य के हितों के लिए, इस राज्य के विकास के लिए किया और उसके प्रमाण है। सर एक सवाल जो मुख्यमंत्री जी ने सीधा भाजपा पे लगाया कि भाई मेरे ऊपर मुझे बांध दिया, मुझे काम नहीं करने दिया, मुझे इतने महीने खराब हो गए कि जिसके अंदर कि मैं बहुत कुछ अपना पॉलिटिकल यहाँ पे एस्टैब्लिश कर देता, बहुत सारे काम होते जो मैं कर देता जो मैं नहीं कर पाया, इसके ऊपर आपकी और भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है? वो तो वही है कि मैं आसमान को भी धरती पर ले आता लेकिन क्या करे। ये चीजें राजनीति में कम से कम लोग बहुत जागरूक हो गए। क्या किया है आपने साथ बताइए, आप तो केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं, आपने क्या किया बताइए ना, जवाब देना आप। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाते जिस तारीख तक यदि आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तो मैं तो पता नहीं क्या कर देता, तो आपकी सरकार ने क्या किया वो बता दीजिए। आप आते हैं राष्ट्रपति शासन आपको तो जवाब देना चाहिए कि आपने झूठ क्यों बोला। आपकी गवर्नमेंट ने संविधान को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह क्यों किया? उत्तराखंड की जनता को, देश की जनता को गुमराह क्यों किया? यदि 18 तारीख को आपकी सरकार अल्पमत में आ गई थी और जो बिल था, जो धन विधेयक था वो गिर गया था और हमने कहा कि वो पास नहीं हुआ क्योंकि इन 10 लोगों ने उसके खिलाफ किया और बीजेपी प्लस जो जिन लोगों ने खिलाफ मत दिया वो संख्या ये होती है, जो आप अल्पमत में आ जाते हैं आपका बिल गिर गया था जी। फिर भी हमने झूठ बोला कि नहीं हमने तो बिल पास कर दिया था। यदि बिल पास हो गया था आपका तो बिल तब आपका पास होता जब ये 10 आपके साथ होते हैं जी। नंबर एक तभी तो आपका पास होता है जी। तो फिर ये इनकी जो सदस्यता खत्म हुई है ये किस आधार पर हुई है, जवाब दीजिए। मोटा मोटा हिसाब है ना, ये 10 जोड़ करके ही आप बहुमत में आते हैं, उस दिन तब आपका बिल पास होता है और आपने कह दिया 10 हमारे साथ हैं। तो यदि 10 ये आपके साथ थे उस समय तो फिर इनकी सदस्यता खत्म क्यों हुई? नंबर एक आपने झूठ बोला है, आपने गुमराह किया है। सच तो ये था उसी दिन आपका बिल गिर गया था। दूसरा बड़ा उदाहरण, एक उदाहरण तो ये, दूसरा उसका प्रमाण, आपने हाई कोर्ट को एफिडेविट दिया हमारा तो बिल पास हो गया, हमारा तो बजट पास हो गया। यदि आपका वो बजट पास कर दिया था आपने तो राष्ट्रपति शासन हटने के बाद आपने दोबारा उस बिल को सदन के अंदर पास क्यों कराया, आप बताइए। आपका तो पास हो गया था जी। जब पास हो गया था तो फिर दोबारा पास करने का क्या मतलब था? सर प्रश्न तो का मतलब यह है, सवाल यह है कि ये लोकतंत्र का गला कांग्रेस सरकार ने घोटा, लोकतंत्र का गला, संविधान का गला, मान्यताओं का गला, मूल्यों का गला घोटने पर आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी गलत हलफनामा देकर आपने तार तार कर दिया। लेकिन हम इसलिए नहीं उलझना चाहते हैं उसमें आप,
कि दो चार महीने की तो बात रह गई, दो चार महीने हम ये करना नहीं चाहते, नहीं तो ये गवर्नमेंट वैसे ही चले जाती, ये तो कोर्ट के ही माध्यम से चली जाती है। कोर्ट इनसे पूछता, बताओ तुमने यदि एफिडेविट दे दिया था कि ये पास हो गया, तो बताओ दोबारा ये जो विधानसभा के अधिसूचना जारी करके आपने मतदान कराया, और मतदान करा करके आपने, और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो महाभियोग था उसको भी अवैध तरीके से करके किसी को जाम बिठा दीजिए और कह दीजिए सब ठीक हो गया। उसकी आपने तो नीति नियमों कानून और परंपराओं का, और जो उत्तराखंड विधानसभा जो संचालन नियमावली है उसका भी आपने मर्दन कर दिया। ये सरकार ने तो हर कदम पर आत्मघाती काम किया है, और इसलिए इसका हिसाब किताब 2017 में लोग देंगे। चलिए सर, तो चुनावी माहौल है, हर तरीके की बातें सुनने और कहने को मिलेंगी। अब पर चलते चलते हम चाहेंगे कि उत्तराखंड की जनता के लिए आप कोई बात कह के जाएं, जिसको लुक फॉरवर्ड करेंगे भी, हाँ भाई अगर निशंक जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो जनता को तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो राज्य है ये देश और दुनिया के लिए बहुत अद्भुत है, दुर्लभ है, हमको इसको सजोना है, बढ़ाना है, एकजुटता के साथ इसको इसके शिखर तक पहुंचाना है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो देश और दुनिया के पास नहीं है। हमारे पास आयुष है, आयुर्वेद है, संजीवनी बूटियां हैं, जैव विविधता है, प्रकृति का सौंदर्य है, धरती का स्वर्ग उत्तराखंड बनने का गौरव है, हमारे पास गंगा है जो सारे विश्व के लिए प्रेरणा का केंद्र है, हमारे पास हिमालय है, हमारे पास शिक्षा के बड़े केंद्र हैं, और इसलिए हमारे पास वन है, हमारे पास जिस तरीके का परिवेश है उस परिवेश के आधार पर हम पूरी दुनिया में अपने राज्य को एक मॉडल स्टेट के रूप में खड़ा कर सकते हैं, और इसलिए ये सब हम मिल करके करेंगे, विजन पूर्वक करेंगे। हमने जो विजन 2020 दिया था जिसमें हमको बहुत कुछ सफलताएं मिल चुकी थी, उस विजन 2020 को हम आगे बढ़ा करके पूरी देश के लिए एक अद्भुत राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़े, और इसके लिए 2017 का जो ये रास्ता है उधर से होकर के वो गुजरता है। इसलिए मैं उत्तराखंड की जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आगे 2017 का जो चुनाव हो रहा है उसमें वो जरूर ऐसी सरकार को देंगे जो उनकी विजनों को, उनके सपनों को पूरा कर सके, और जिन्होंने उनके सपनों को चाहे 108 के रूप में हो, और चाहे अटल खाद्यान्न के रूप में हो, चाहे 15,000 में MBBS डॉक्टर बनाने के रूप में हो, चाहे कन्यादान योजना के रूप में हो, चाहे शिक्षा के सर्व शिक्षा अभियान के रूप में हो, और चाहे जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में हो, चाहे घाटी और भाटियों में किसानों को रोजगार देने के माध्यम से संजीवनी बूटियों का उत्पादन की दिशा में हो, तमाम और तमाम दर्जनों दर्जनों चाहे अटल आदर्श गांव की स्थापना करके वहीं पर सरकार को अटल आदर्श गांव पर ही जाकर के सरकार को केंद्रित करना हो, सरकार गांव में जाए, इस तरीका का जो अभियान हमने लिया है वो अभियान का साक्षी है, मेरा भरोसा है कि उस अभियान के आधार पर हम इस राज्य को इसकी शिखर तक पहुंचा सकते हैं, ये मेरा निवेदन है। सर, टीवी से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। और ये थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनसे की हमने एक खास मुलाकात।